नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। कल प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मराठी पोशाक में धोती कुर्ता और टोपी पहने हुए दिखे। सीजेआई और उनके परिवार के साथ उन्होंने आरती भी की और बाकायदा इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। लेकिन आज इस पर राजनीति शुरू हो गई और देश के मुख्य न्यायाधीश पर ही सवाल उठा दिए गए। शिवसेना उद्धव गुट को डर सताने लगा कि उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसलिए इस मुलाकात पर उन्हें न्याय को लेकर शंका हो गई। उन्हें लगा कि हमारे को केस में न्याय मिलेगा ही नहीं। शिंदे गुट ने उनसे पूछा कि फैसला पक्ष में हो तो विश्वसनीयता और अनुकूल ना हो तो फिर शंका, ऐसा क्यों है? इस तस्वीर पर सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, भले से ही वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने शंका जताई। उन्होंने कहा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता पर ही एक सवालिया निशान लग जाता है। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारे जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को हर रोज यदि गाली दोगे तो आप देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। इन इंस्टीट्यूशंस पर उंगली जब उठा रहे हो तो आप इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है कि हम हर जगह पर जाकर गणेशोत्सव, गणपति भगवान के दर्शन लेते हैं, आरती करते हैं, इस पर राजनीतिक तौर पर भेदभाव कभी नहीं करते। इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूँ। यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, वह भी एक त्यौहार है, यह भी एक त्यौहार है, दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? सोचिए, कभी किसी पूजा किसी आरती को देख करके आपने कभी इतनी नाराजगी देखी है? तो सवाल आ जड़ी में टू द पॉइंट है, क्या सीजेआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंच करके गणपति की पूजा में शामिल हुए थे? क्या मुख्य न्यायाधीश से पीएम की मुलाकात के लिए कोई कानून भी है हमारे देश में? क्या सीजेआई के घर पूजा में पीएम के जाने से न्याय पर शंका हो जाएगी? और क्या किसी निजी मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक करना ठीक है? क्या इफ्तार और गणेश पूजा पर विपक्ष का नजरिया अलग है? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, करण वर्मा लेखक और कंचना यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी की। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी आनंद दुबे जी। संजय राउत ने आज सुबह क्या कहा पढ़ के सुनाती। उन्होंने कहा अगर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो रक्षक हैं वो नेताओं से मिले तो लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है। हमारा मामला सीजेआई के समक्ष चल रहा है, लंबित है, इसलिए हमें संदेह है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप सच में कह रहे हैं कि मोदी जी चंद्रचूड़ जी के घर गए और कहा कि शिवसेना का जो केस है उसको आप इधर उधर कर दो, रफा दफा कर दो, और फिर उसकी फोटो जाकर के ट्विटर पर डाल दी? आनंद दुबे जी, पद्मजा जी नमस्ते। नमस्ते। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया मोरिया। पद्मजा जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले, एक नहीं 100 बार मिले, कोई आपत्ति नहीं है, मिलना ही चाहिए, दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। संवैधानिक कार्यक्रम में मिलिए, सरकारी कार्यक्रम में मिलिए, अपने घर में मिलिए, बाहर मिलिए, कोई बात नहीं, मिलते रहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं,
स्टार प्रचारक भी हैं, अपने सर्वे सर्वा है अपने दल के, और एक पार्टी जो हम हैं शिवसेना, दोनों जनकी विचारधारा की लड़ाई चल रही है। 2022 में 20 जून को हमारी सरकार गिरा दी गई, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, सिंबल छीन लिया गया, हम सब कोर्ट में भागे, बहुत दिन तक बहस चली। आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने कहा ये जो सरकार बनी है ये गलत तरीके से बनाई गई है, अगर उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब हम उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। लेकिन वो बात वो माने थे कि हाँ यह सरकार जो जिस प्रकार से गिराई गई और नई बनाई गई उसे संवैधानिक रूप से सही नहीं थी। हम खुश हो गए, हमने कहा कि अब सुनिए तो पहले, अब यही तो 5 सेकंड भी हुआ नहीं, 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 हम एक मिनट हो गया, इसलिए मैं बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद चीफ जस्टिस साहब, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, धन्यवाद हमें, वही हमने कहा सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद। हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ गए, हमने कहा साहब चुनाव आयोग ने हम पर अन्याय किया, वो कहते आप नकली शिवसेना है, आपका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। साहब ने कहा रुक जाइए समय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। आरती का क्या लेना देना है सर? प्रधानमंत्री जी उनके घर गए, अब आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी उनके घर गए, अपने सोशल ट्विटर से अपने पोस्ट कर दिया वीडियो, प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय चीफ जस्टिस साहब के पद के गरिमा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा दी। क्यों पहुंचा दी? क्योंकि 140 करोड़ देशवासी आदरणीय चीफ जस्टिस साहब को न्याय का देवता मानते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं, दुनिया को पता है कि अगर कहीं न्याय मिले चाहे न मिले सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो अगर क्या जरूरत आरती करता है तो वो न्याय का देवता नहीं रहता। वो वीडियो ट्विटर पे अपलोड कर दिया, तो अगर दो लोग साथ में आरती करते हैं तो न्याय का देवता प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे? नहीं नहीं, यहां पर प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री पर हम उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब पे नहीं। अभी तो आपने कहा कि उनके उनकी छवि को ठेस पहुंची है। पूरे भारत के श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं और वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद को सब लोग निष्पक्षता के रूप में देखते हैं कि ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ये हमारे देवता हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूं, आप एक नेता भी हैं बीजेपी के, आप उनके घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे लोग? क्या समझेंगे वाला? क्या समझेंगे लोग? एक परंपरा तो होती है, एक नियम बने हैं, हर चीज लिखी नहीं होती कागज पर, हर चीज का संविधान में कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। ठीक है, क्या समझेंगे शहजाद पूनावाला? आपको समझाएंगे, स्वयं जनता बनाती है, समाज बनाता है। ठीक है, शक भी होगा, डर भी होगा, संदेह भी होगा शहजाद पूनावाला। ठीक है आनंद जी, उसको दुनिया के सामने करो, जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक। आपने पूरा 2 मिनट बोल लिया शहजाद, अपने ट्विटर हैंडल से कर दिए। ठीक है शहजाद, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? ये सवाल अगर हम पूछें तो हम देशद्रोही हो गए। लोग क्या सोचेंगे? शंका पैदा कर रहे हैं भाई, जब लोग क्या सोचेंगे इंटरप्शन के साथ? ठीक है आनंद जी, हो गया हो गया, आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं, क्या लोग सोचेंगे नागरिक होने के? पद्मजा जी, सबसे पहले तो प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम तो पीएम पे सवाल उठा रहे, पर प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, आफ्टर द फेस्टिविटीज आर ओवर होपफुली सीजीआई विल डीम फिट एंड स्लाइटली फ्री to conclude the hearing on Maharashtra on the blatant disregard of Article 10, वैसे Schedule 10 को Article 10 बोल रही है सांसद साहिबा, anyway, of the Constitution. तो इन्होंने सीधा सीधा सवाल Chief Justice पर उठाया, यहाँ पर वो कह रहे PM पे उठा रहे। Anyways, दूसरी बात, 30 सेकंड के वीडियो से पूरा वो ecosystem ही ध्वस्त हो चुका है। 2009 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पे इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस जाए तो वहां पर डील नहीं होती, परंतु मराठी अस्मिता का इतना बड़ा हिस्सा, हिंदू धर्म का इतना बड़ा हिस्सा, गणेश पूजा में डील करने गए थे प्रधानमंत्री, मतलब गणेश पूजा के ऊपर और मराठी अस्मिता के ऊपर इतना बड़ा लालचन लगा रहे उद्धव सेना, यह संगत है? प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब रखने वाले एलओपी ईरान उमर से मिले, मैंने बीच में नहीं बोला पद्मजा जी, दिस इज नॉट राइट। मेरे इंटरनेट फोन कट गया था, आप बोलते जा रहे थे, आप 2 मिनट तक बोले, ठीक है अपनी बात खत्म की जाए, पूरी बात ऑन एयर गई। एलओपी अगर जाकर ईरान उमर से मिले उसमें कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है,
पर यहां पर गणेश पूजा करने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जिसमें चीफ जस्टिस ने कई लोगों को बुलाया होगा वहां पर प्रधानमंत्री शामिल होते तो गणेश पूजा पर इस प्रकार का सवाल, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस प्रकार से मिलना गलत है तो 15 मई 2021 पता है इस दिन पे क्या हुआ था पद्मजा जी? चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट वॉज मेट बाय उद्धव ठाकरे। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं 31 अगस्त को चीफ जस्टिस से, 3 फरवरी को चीफ जस्टिस से, 28 जनवरी को चीफ जस्टिस से, कोई सवाल नहीं उठता, पर गणेश पूजा के अवसर पर मिलते हैं तब यह सवाल उठता है। मतलब कि गणेश पूजा और आरती से समस्या है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को भाईजान की अजान ज्यादा पसंद है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज इसको जोड़िए किस और तरीके से, अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश जो होते हैं माफिया की तरफ होते हैं, मतलब एक जगह पर मठाधीश पर हमला, दूसरे जगह गणेश आरती पर हमला, तो ये हमला चीफ जस्टिस और मोदी पर नहीं है, ये हमला सीधे गणेश आरती पर है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या आप नैतिकता पर सवाल उठा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया तो कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिफेंडेड डेमोक्रेसी, बस कुछ महीने पहले की बात है, और आज डेमोक्रेसी खतरे में, मतलब कि कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। और ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। 1953 एमसी चागला राइट्स टू नेहरू, यू आर अ ग्रेट लीडर। 1960 अनंत नारायण, आप एस्टीम्ड लीडर हो, तब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। बहारुल इस्लाम जज थे, फिर 1962 में राज्यसभा एमपी बने, उसके बाद 1972 में फिर से जज बने, और फिर 1979 में चीफ जस्टिस बने, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कमिटेड जुडिशियरी बना दी गई थी इमरजेंसी में, 18 जजेस को ट्रांसफर किया और सुपर सेशन किया, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये लोग हमें बता रहे जुडिशियरी का ज्ञान, ठीक है। सीधा सवाल आपसे ये है, एक तस्वीर जिसकी अभी अभी जिक्र हुआ वो दिखा देती हूँ, 2009 की तस्वीर, अब तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हो रही है। 2009 पे उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, वो इफ्तार पार्टी में गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, 18 सितंबर 2009 की वो तस्वीर है। अब अगर चीफ जस्टिस गणेश पूजा करते हैं प्रधानमंत्री के साथ तो आनंद दुबे जी क्यों तकलीफ है? शहजाद पूनावाला का आरोप है कि तकलीफ मुलाकात से नहीं है, पूजा से है, आरती से है। इफ्तार पे कोई किसी ने चू तक नहीं की, आरती में सब परेशान हो रहे। अच्छा जी, पद्मजा जी, पद्मजा जी, हैरानी होती है कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कि शहजाद पूनावाला हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, गणेश भगवान के बारे में बता रहे हैं, ये भी एक दिन देखना पड़ेगा। देख रहे हैं भाई, क्या करें, अब बीजेपी की सरकार है, सर क्या ऐसे में गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई? अब ये क्या बात हुई कि शहजाद पूनावाला नहीं बोल सकते गणेश आरती के बारे में? हमारा गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई? नहीं नहीं नहीं, तो शहजाद पूनावाला आनंद दुबे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, शहजाद पूनावाला आनंद दुबे को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये भी देखना रह गया था। देख रहा हूं। अच्छा, इफ्तार पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब किसी की पार्टी तोड़वाने में जिम्मेदार नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन साहब किसी का चुनाव चिन्ह छीनने में जिम्मेदार नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन साहब एक असंवैधानिक सरकार नहीं चलवा रहे थे किसी राज्य में, ये बात है। तब तकलीफ होती है ना, तो जब हम तकलीफ दिखाते हैं तब वो हिंदू मुसलमान पे आते हैं, जब हम आईना दिखाते हैं तब वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उस वक्त ऐसा कोई केस नहीं चला था शहजाद पूनावाला, सबसे पहले इसका फटाफट जवाब दीजिए। मैं सबका दे रहा हूँ, पहले तो व्यक्तिगत हमला क्योंकि किया गया, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, आप तो बड़े हिंदुत्व के शेर हो ना। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और मैं अमेरिका का हिंदू हूं, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अमेरिका का हिंदू हूं, शहजाद पूनावाला मेरी बात आ जाने दीजिए, ये इंटरप्ट करके मेरी बात को तोड़ रहे हैं, मैं अमेरिका ऐसे मत कीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट, ठीक है, 30 सेकंड फिर मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट द वे टू डू, एक एक करके आनंद जी, एक एक करके, हाँ मेरा 30 सेकंड संरक्षित होना चाहिए। मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता, हिंदुत्व के सो कॉल्ड शेर उद्धव ठाकरे की पार्टी जो वीर सावरकर का अपमान सहती है, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम कहना सहती है, इस पर ऑफिशियल स्टैंड बताए कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता कब तोड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया, जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित तस्तरे गड़े वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, इसका आगे का सुनाइए। आप शिवसेना से ना, शिव तांडव स्त्रोत तो आना चाहिए, आगे का सुनाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य सर्वदा सुना रहे, बताइए आगे का सुनाइए, शिव तांडव आगे का सुनाइए, हम उनके पुत्र की बात कर रहे, सुना रहे, गणेश जी की बात हो रही है। अरे भाई शिवसेना, गणेश जी की बात हो रही है ना, नाम आपका शिवसेना, गणेश जी की बात करिए,
वैसे तो आपका नाम शिवसेना है, इसीलिए किसी भारतीय मुसलमान से मत कहना है, जाकर राहुल गांधी से कहिए, राहुल गांधी से कहिए जनयू कहाँ से है, जाके पूछे उनको पर्सनल कॉमेंट। नहीं, फिरोज गांधी कहाँ थे उनसे पूछे जाके, भाषा पर तो नियंत्रण है ना, वापस लेके आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हो ना, नहीं बीजेपी के प्रवक्ता हो ना, मठाधीश वाले कमेंट पर बोलिए, मठाधीश के कमेंट पर बोलिए, मठाधीश के कमेंट पर बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। पद्मजा जी हिम्मत है तो बोलिए, ऐसे लोगों को आप टीवी पर नहीं, पूरा देश देखता है, इतना बड़ा चैनल है आपका। हाँ, इनकी भाषा देखिए, मैं पहले से इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि शुरुआत में ही किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट मत कीजिए, उससे चर्चा खराब ही होती है। चलिए कंचना यादव के सवाल पे पूछे ना, कंचना यादव वो समाजवादी पार्टी बताएगी, कंचना सेना का तो अलायंस में है, आप जवाब देना चाहते हैं? आनंद जी बताइए, मठाधीश माफिया किधर होते हैं बताइए। सावरकर साहब को भारत रत्न कब दोगे? पद्मजा जी सवाल पूछिए, ये है इनका, भारत सावरकर जी को कायर और डरपोक बोलती है कांग्रेस पार्टी, 10 साल हो गई एनडीए साथ में है, कब दोगे हमारे वीर सावरकर साहब को भारत? ये तो होना ही है, ये गोलमोल हो जाएगा, गोलमोल हो जाएगा। चलिए कंचना जी, कंचना जी तर्क ये है कि मुख्य न्यायाधीश से अगर प्रधानमंत्री मिलते हैं तो उससे जो फैसले आने वाले हैं उन पर असर पड़ता है, पर इसके लिए जरूरी तो है ना कि कोई घर जा करके गणेश आरती पे ही मिले, कहीं भी मिल करके अगर सार्वजनिक जीवन में आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं उससे आपके फैसलों पर असर पड़ना लगता है। तो सिर्फ पिछले 6 महीनों में क्या क्या मुलाकातें हुई हैं सीजेआई और प्रधानमंत्री के बीच में, ये भी हमको देख लेना चाहिए। सिर्फ पिछले 6 महीनों में, सबसे पहले जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष का जश्न था, उसमें देखिए यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और मोदी जी साथ में हैं, और एक बार फिर से, शायद ये पिछले ही महीने की है, पिछले ही महीने की तस्वीर है, एक बार फिर से दोनों मिले हुए थे। तो मुलाकात तो होती रहती है, ये दिल का ताड़ बनाने वाली बात नहीं है कि अरे दोनों क्यों मिल गए वहां पर, इससे गरिमा कम हो गई है। देखिए जो आपका सवाल है इसमें जो रिलीजियस एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं सहजाद जी, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिलीजियस एंगल अगर लेकर आए तो प्रधानमंत्री पे सीधे सवाल उठाएंगे कि भाई आप अपने ही देश के, आपके एक विधायक बोलते हैं कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और जो आपके जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जाकर ब्रुनेई में वहां पर मस्जिद में फोटो खिंचाते हैं, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पर कौन करता है आप ही जानते हो, हम भी जानते हैं। और रही बात की हम, इसलिए हमारा सवाल है कि रिसेंट अगर ट्रेंड हम देखें तो जब हम, चाहे अभिजीत गांगुली को आप ले लीजिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे, ममता बनर्जी जी उन पर बायस्ड होने का आरोप लगाती थी, कहती थी जजमेंट वो हमेशा बीजेपी के फेवर में देते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, निकलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और क्या उन्होंने ज्वाइन करते हुए बोला था कि मैं बीजेपी के संपर्क में था जब मैं जस्टिस था, मतलब जब मैं न्यायाधीश था, और बीजेपी भी मेरे संपर्क में थी। तो सवाल तो उठते हैं जब एक कॉमन परसेप्शन बन गया है, तो आप सवाल चंद्रचूड़ जी पे उठा रहे हैं, हाई कोर्ट के आप कह रहे हैं कि वो भी गोगोई जी के रास्ते पे जाएं, थोड़ा सताएं रवि कुमार दिवाकर जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात आई हुई है और मठाधीश की बात आई हुई है। सवाल किस पे, आप कुछ कर रही है, आप कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मठाधीश की बात हो रही है, रवि कुमार दिवाकर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने जजमेंट देते हुए बरेली जो कांड हुआ था 2010 में, बरेली में जो दंगा हुआ था, पता है इतनी तारीफ करते हैं वो योगी आदित्यनाथ की, श्री 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 महंत माठ मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी, और वो प्लूटो के किताब गणराज का उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा रिलीजियस पर्सन एक अच्छा शासक होता है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। और रंजन गोगोई आप कैसे भूल गए हो, योगी आदित्यनाथ पर चर्चा नहीं कर रहे, योगी पे दिए जाते हैं, ऐसा पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस पर सवाल उठेगा, चीफ जस्टिस पर सवाल उठेगा, पर अगर मुलाकात से ही बात खराब हो जाती है या बात बन जाती है सरकार की, मुलाकात तो होती रहती है, और मुलाकात करने की जरूरत भी क्या है कंचना जी, आप तो कोई फोन उठा के व्हाट्सएप पे बोल दे या उनको कमरे में बुला के बोल दे, आप सच में कह रहे हैं कि कोई किसी के घर पे जाके आरती करके उनको बोलता है ऐसा फैसला दीजिए या वैसा फैसला दीजिए? बात आरती की नहीं है, तो किसकी बात है, मुलाकात की बात है ना ही फैसले की है, बात इसकी है कि अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी, अरे महाराष्ट्र भवन में भी था, कई जगह था, गणपति बप्पा मोरया, आप कहीं भी जाकर भगवान जो है कि पूजा कर लेते, आप चीज जस्टिस के घर गए क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते, तो उनका भी एंगल दिखता है, मोदी जी का भी एंगल वहां से दिखता है, और शिवसेना जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग उसमें कोई गलत नहीं है।
है। तो आप कह रही हैं कि मोदी जी को चीफ जस्टिस से कभी नहीं मिलना चाहिए या महाराष्ट्र चुनाव से पहले नहीं मिलना चाहिए? कि शक होता है। और क्या क्या दो लोगों को एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को? नहीं नहीं नहीं, आप दरअसल क्या है ना, आप फंडामेंटल क्वेश्चन को ही आप नहीं देख रहे हो। द फंडामेंटल क्वेश्चन आर्टिकल 50 में जो दिया है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर सेपरेट होना चाहिए और दिखना चाहिए। और हमने रिसेंट में पर दोनों के मिलने से पावर एक कैसे हो जाती है, वही तो मेरा सवाल है। होना चाहिए, ये तो मैं फंडामेंटल सवाल ही वही पूछ रही हूं मैम। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है कि डिवाइड होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करता है। पर वो डिविजन तो रहता ही है ना, दो लोगों के मिल जाने से, उनकी अगर मुलाकात हो कहीं पे, सार्वजनिक जीवन में दो लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो फिर उससे क्या उनकी पावर्स मिल जाती हैं? वो डिवीजन खत्म हो जाता है। पद्मजा जी, आप एक ओछले क्वेश्चन के पीछे जो गंभीर क्वेश्चन है उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी और बीजेपी भी। सॉरी, मैं इसको इंटेंशन के साथ कह रही हूँ। मैम, मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ। बन गया है, मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ। रिसेंट में जजेस बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं और ऐसे कंडीशन में उनके घर पर जाना, ठीक है? ठीक है, जब ऐसा माहौल बन गया है, जब जज छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तब सवाल उठता है। पद्मजा जी धन्यवाद। कंचना जी, आपने कहा जजेस बीजेपी आ रहे हैं इसलिए यह माहौल बना है। 2018 जज जोरा सिंह जॉइंट्स पंजाब आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, जस्टिस बेग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा कांग्रेस, जस्टिस भारुल इस्लाम जज, फिर एमपी, फिर जज, जस्टिस के एस हेगड़े राज्यसभा, जज राज्यसभा, बताइए मैम। कंचन जी, जी जी जी, मैं इनको लगता है कि क्वेश्चन वो हमें नहीं पता है। हम ये नहीं कह, हम फंडामेंटल पर सवाल उठा रहे हैं, द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल पर। और वो चाहे कांग्रेस की, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के खिलाफ थी और वो आरक्षण के शुरू में खिलाफ, आम आदमी पार्टी खिलाफ है फंडामेंटल। स्टैंड चेंज किया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कंचना जी वो एक प्रिंसिपल बनाती है। एक वाक्य कंचना, कांग्रेस जो कर रही है कंचना, एक वाक्य, केवल एक वाक्य कंचना जी, एक वाक्य, छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो, चलो कांग्रेस से तो कोई नहीं लेता सबक। कंचना एक वाक्य, आपसे एक वाक्य, कंचना जी एक वाक्य पूछ रहा हूँ। ओहो कंचना, एक वाक्य, कंचना एक वाक्य, आप अपने आप को सही, एक वाक्य कंचना जी, कंचना जी आप साइड कर दो कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया। कंचना जी आप ठीक है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, आपने जो आरोप बीजेपी पे लगाया कि ये माहौल बना, क्या आम आदमी पार्टी भी फंडामेंटल वायलेट की जब उन्होंने जज को लिया, वो वहां पे सरकार में? हमने हमने सीधा, हमारा सवाल है कि पावर किसी भी सरकार को, तो देखिए चमत्कार है वो करे तो, हम करे तो गुनेगार है। गणेश आरती से समस्या, समस्या गणेश आरती। वो कह रही है कि आप ये गलत रिलीजियस एंगल दे रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक एंगल वो मानते ही नहीं। कर देता हूं, वो बस कह रहे हैं कि लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप अपनी कमी को किसी, अब माहौल ऐसा खराब हो गया है करण वर्मा कि शायद जजेस को मिलना ही नहीं चाहिए किसी नेता से, ना तो आरती में, ना तो इफ्तार में, ना तो शादी में, ना तो ब्याह में। बस अलग अलग रहिए, दूर रहिए एक दूसरे से जी। मत मिलिए एक दूसरे से। मैं बोल सकता हूँ आनंद जी, मेरे पास एंड में आ रहे हैं सर, प्लीज बोलिए। हाँ, करण वर्मा, एक सेकंड आनंद जी, करण वर्मा जी चैन से बोल रहे हैं। मत मिलिए, माहौल खराब है आजकल। तो पद्मजा जी, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और आप एक संयोग देखिए, इसको संयोग कहें या बप्पा की कृपा कहें, कि जब हम ये चित्र देखते हैं तो इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरफ सीजीआई है, उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिस सुप्रीम कोर्ट का जो मेन नारा है, जिनको हिंदुत्व से दिक्कत है या हिंदू नारों से दिक्कत है, उसका मेन नारा है यतो धर्म ततो जय। और इस नारे को लिखा किसने? वेद व्यास जी के तो बोल थे, इसको लिखा था बप्पा ने ही, गणेश जी ने ही महाभारत में लिखा था जहां से ये उठा है। तो एक कमाल का ये संयोग है। अब एक मैं वाक्य पढ़ के आपको सुनाता हूं, एक सज्जन जी का कोट है, सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी की रक्षा करी और अच्छा फैसला सुनाया। ये सज्जन है उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने ये बात बोली थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था। उसके बाद इन्होंने इससे मिलती जुलती तीन बार और पंक्तियां बोली, एक चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस जब सेट असाइड किए गए आपके फेवर में, एक जब इंटरिम बिल दी गई अरविंद केजरीवाल को, तब भी इन्हीं उद्धव ठाकरे जी ने बहुत तारीफ करी थी सुप्रीम कोर्ट की, कहा था जज चंद्रचूड़ जी तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। और आज पूरी चीज पलट गई सिर्फ ये देख के कि बप्पा के टाइम पे प्रधानमंत्री जी वहां पर चले गए। तो ये एक बात साफ हो जाती है, इनको दिक्कत है हिंदू चिन्हों से, इनको दिक्कत है हिंदू त्योहारों से। अरे प्रधानमंत्री जी सीजीआई से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री को यासीन मलिक से तो नहीं मिलने गए थे?
हमारे देश में तो ऐसे माहौल रहा है जब प्रधानमंत्री यासीन मलिक के पास गए जो एक आतंकवादी था, आज कन्विक्टेड है। तो एक बात साफ हो गई है, आनंद दुबे जी और इनकी पार्टी जो कभी हिंदुत्व के बारे में बात करती थी, आज वो शहजाद पूनावाला जी, मतलब कि हिंदुत्व का मतलब ही सांस्कृतिक विरासत होता है जो जोड़ने की बात करता है, जो समावेशी की बात करता है, उन पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जिस तरह से शहजाद पूनावाला जी ने गणपति महोत्सव को मनाया है, मुझे देखकर आज जब मैंने देखा इनके ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे, मुझे आंसू आ गए। मुझे ये देख के लगा कि हमारी संस्कृति कितनी विराट है। आनंद दुबे से इसका लेना देना नहीं होता, आज आनंद दुबे जी ने अपनी संकीर्ण विचारधारा दिखा दी शहजाद पूनावाला पे प्रश्न चिन्ह उठा के। आनंद दुबे, 2 महीने पहले आप वाहवाही कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह, और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ही मुद्दा नहीं है। 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को फिर से सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया। 12 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख के एक्सटेंशन को अवैध बताकर रद्द कर दिया। और इन सारे मौकों पर, ये तो बस थोड़े से मैं उदाहरण दे रही हूं, सब मौकों पे आपने कहा वाह सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा तमाचा दिया है सरकार के मुंह पे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, और आपको ये भी बता दूं आलोक वर्मा का जो फैसला था वो जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने दिया था। आनंद जी, तब तो आप आनंदित हो रहे थे, आज आप क्रोधित हो रहे हैं। संगत का असर है। पद्मजा जी, चीफ जस्टिस साहब और प्रधानमंत्री जी आपस में मिले, कोई आपत्ति उठा रहा है इस पर? पहले भी 10 बार मिले होंगे, आगे भी 10 बार मिलेंगे, कोई आपत्ति उठा रहा है? नहीं उठा रहा है, उठाना ही नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे तो कोई आ ही नहीं रहा है। मैं आपको आज बहुत धन्यवाद देता हूं पद्मजा जी, आपने अपनी डिबेट में अभी कुछ मिनट पहले कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब के यहां प्रधानमंत्री जी आए होंगे आरती करने, तो ये थोड़ी कहे होंगे अरे भैया जरा वो केस देख लेना, अरे जरा वो केस देख लेना, जरा उनकी मदद कर देना, जरा इनकी, नहीं कहा होगा। एग्जैक्टली ये नहीं कहा होगा, फिर भी अपने ट्विटर हैंडल से आदरणीय चीफ जस्टिस साहब का वीडियो ट्वीट करके आपने शंका पैदा करवा दिया, यही प्रश्न चिन्ह है। तो आप कह रहे हैं यही देश तो की जनता को आपको आपत्ति अच्छा है किस चीज से कि ट्वीट क्यों किया प्रधानमंत्री जी? तो गुपचुप जा करके आरती कर लेनी चाहिए थी। मैं वही कह रहा हूं कि जब जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा ही नहीं होगा कि भाई साहब जरा हमें मदद कर देना, भाई साहब जरा वहां पार्टी तोड़ रहा हूं जरा देख लीजिएगा, ऐसा कुछ वहां हुआ ही नहीं है। वहां तो विशुद्ध रूप से दर्शन और आरती हुई है। क्या जरूरत थी कि आपने 140 करोड़ देशवासियों के सामने एक प्रतीकात्मक रूप से एक संदेश दे दिया कि मैं बहुत नजदीकी हूं चीफ जस्टिस साहब का, ठीक है, मैं उनके घर बुलाया गया हूं, आरती कर रहा हूं। आनंद जी को पूजा पूजा करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर मानो तो है और नहीं मानो रोकना, हवा में उड़ा जनता को, ठीक है, मुसलमान कर दो, क्योंकि क्योंकि इसमें मैं जोड़ देती हूँ शहजाद पूनावाला, चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में एक माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद जो माहौल खराब हो गया था उसकी भरपाई करने के। अब एक चीज प्लीज नोट कीजिए कि मैं पुणे से हूँ, लोकमान्य टिळक जी पुणे से आते हैं, उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की, पता है क्यों की? सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत इसलिए हुई ताकि सार्वजनिक तरीके से हिंदू और समग्र भारत के समाज को एकत्रित किया जाए, तो गणेश उत्सव सार्वजनिक ही होता है। गणेश चतुर्थी कभी भी प्राइवेट कमरे में, एक बंद कमरे में 4 परिवार नहीं मनाते, ये सार्वजनिक, इसलिए पंडाल की व्यवस्था है हमारे पुणे में। देखिए जो लोग नहीं मानते या जानते और महाराष्ट्र की संस्कृति से कटे हुए हैं, वो मराठी भी नहीं बोल पाते, वो हो सकता है शिवसेना में आने से मराठी जाने ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा मराठी येता ऐसा नक्की नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पुणे से हूं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मराठी खुल रही है ना, बीच में नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी से मैं डिबेट में, मेरे साथ मराठी पे डिबेट कर ले, वो एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। नहीं, वो यहाँ पे है नहीं, नहीं ना, है नहीं ना। दूसरी बात, अरे माझाशी करा ना, माझाशी मैडम, मी तैयार आहे, तुम्ही बोला ना, काय बोलायचे तुम्हाला, माझाशी बोला, आज मी आहे ना, वर्तमानशी बोला, ठीक आहे। आनंद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, माहौल खराब हो रहा था, बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, शिवाजी की प्रतिमा गिर गई, आपके शो पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपनी बात पे 15 बार इंटरप्ट, स्टूडियो में भी, फिर भी मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव
का पूरा मकसद ही सार्वजनिक तरीके से सेलिब्रेट करना है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो लोकमान्य टिड़क जी के पदचिन्हों पर चलकर उसको सार्वजनिक किया। आप लोग अजान का भाईजान का अजान तो चिल्ला चिल्ला बोलते हैं, तो गणेश चतुर्थी क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? इनसे पूछिए, इनसे पूछिए क्यों नहीं करते सार्वजनिक आजकल? इसका कैरेक्टर ही बंद हो गया है, भाईजान को कहीं परेशान ना हो जाए। इस त्योहार का कैरेक्टर ही सार्वजनिक है आनंद जी। सार्वजनिक गणेश उत्सव है, सार्वजनिक ही होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से तो बचना चाहिए। अरे मीडिया दिखाएगी, उनके बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है वो दिखाएंगे, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता है वो करेंगे, स्वयं प्रधानमंत्री जी सारे नियम और कानून तोड़ेंगे, सारी परंपराओं को तोड़ेंगे। सीजीआई के पूजा के पंडाल में मीडिया होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? आपने तो बचना चाहिए यार, आप करिए ना दुनिया के साथ। आप नवाज शरीफ से मिले, हमने कुछ कहा क्या? नहीं, चले मिलो ना यार, एक वाक्य घर जाओ, खाना खाओ, आपकी विचारधारा हो। पर एक सेकंड, मेरे को कुछ याद आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर गए, हमने कुछ बोला क्या? कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी को बुला करके पूजा भी तो सार्वजनिक तौर पर ही कराई थी आपने, नहीं? अरे तो शंकराचार्य जी के किसी की पार्टी को लेके भागे हैं क्या? अरे ये क्या बात, शंकराचार्य जी कहीं सरकार गिरा रहे हैं क्या? पूजा जो है सार्वजनिक तौर पर नहीं की जानी चाहिए थी, अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं डालना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कंचन जी पूजा का प्रश्न नहीं है, एक उत्तर देखिए एक सेकंड प्लीज, इंटरप्ट मत करिए प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता हैं। एक वाक्य, मेरा समय मत ये कीजिए ना, केवल एक वाक्य, वो चुप हो तो सीजीआई का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, वहां पे कोई मीडिया उनके घर के पंडाल में नहीं होगी, पूजा स्थल पे नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते सार्वजनिक, तो किया तो इनको प्रॉब्लम है? मतलब एक गणेश उत्सव भी सार्वजनिक हो, आज उद्धव सेना उससे नकारती है, कैसा फतवा जारी कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सार्वजनिक नहीं होता, ट्वीट नहीं करते तो कहते गुपचुप जाकर के सीजीआई से मिलिए। पर बड़ा सवाल ये है कंचन जी, क्या ये कोशिश तो नहीं है कि दबाव डालें जुडिशियरी के ऊपर, क्योंकि कल को अगर कोई मामला है जिसमें आपकी पार्टी, आनंद जी की पार्टी, चीफ जस्टिस के सामने वो मामला होगा, अगर वो सरकार के पक्ष में जा भी रहा है तो चीफ जस्टिस शायद दो बार सोचेंगे या जज कोई दो बार सोचेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष बाहर आकर के कहे देखा उस दिन आरती की थी, आज इनके पक्ष में फैसला दे दिया। ये क्या दबाव डालने की कोशिश है संस्थानों के ऊपर? नहीं 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 नहीं, अगर आप जो शंका जता रही हैं, और ये शंका तो उनके भी मन में आना चाहिए, तो ये जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसमें भी नहीं जाऊंगी जैसे अभी शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे थे कि आप गणपति बप्पा के तभी भक्त होंगे जब आप महाराज से होंगे, और जब वो लैंग्वेज बोलेंगे, अरे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपको बताई हूँ कि मेरा भी बचपन वही मुंबई में ही गुजरा है, मैंने ये कतई नहीं कहा, पैदा होने से कौन सी लैंग्वेज बोलने से मिसकोट मत कीजिए, मैंने नहीं कहा। अरे किसी की श्रद्धा पे डिबेट नहीं है, मेरा सवाल ये है, मुस्लिम होने के लिए कहा तब आपने मुंह से नहीं निकला। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी ईडी पे सवाल, कभी सीबीआई पे सवाल, अब चीफ जस्टिस पे भी सवाल, और ये जबकि हमने दिखाया है कि इसी सुप्रीम कोर्ट से हजारों तो नहीं दसियों ऐसे मामले हैं जिसमें आपके पक्ष में फैसला आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में आप वाहवाही कर रहे हैं चीफ जस्टिस की। हमने क्या कहा, मनोज झा जी ने क्या कहा कि जब पब्लिक देख रही है, जब लोग परसीव ऐसा कर रहे हैं कि जजेस ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी या बीजेपी के पक्ष में फैसले आ रहे हैं, कुछ जज ऐसे केस में बचे या वकील ये सोल पार्टी में ज्वाइन करते हैं, आप कह रही हो वो डाउट पैदा हो, और ये सालों साल से होता आया है, तो हम हर संस्था पर सवाल उठा दें। हम भी तो वही कह रहे हैं, हमारे देश में तो ऐसे भी हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किसी सरकार का हिस्सा बने हैं, तो क्या हम उस पूरी संस्था पर सवाल उठा देंगे? चलिए ये एक विवाद तो हुआ है, इसको लेकर के आने वाले दिनों में इसकी क्या गूंज सुनाई देती है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।